हमारे पास ये मोबाइल आ चुकी है रेडमी का 6 प्रो। इसको कैसे रीसेट मारा जाता है या किसी भी मोबाइल का कैसे रीसेट मारा जाता है इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको रीसेट मारना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको रीसेट मारना आ जाएगा, किसी भी मोबाइल का हो किसी भी कंपनी का हो। देखिए, रीसेट मारने से पहले हमको क्या क्या चेक करना है। हमारी बैटरी 50% के ऊपर होना चाहिए और हमारी मोबाइल में ना हार्ड स्पॉट कनेक्ट होना चाहिए और ना सिम लगा होना चाहिए और ना चार्जर में लगा होना चाहिए। इतना हमको पहले अपनी मोबाइल में कर लेना है। उसके बाद अगर हमारी मोबाइल हैंग कर रही है या किसी दूसरे से खरीद रहे हैं या हमारी मोबाइल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, हमको सब कुछ उड़ाना है, पूरा रीसेट मारना है, तो हमको कैसे मारा जाता है। हमको सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले हमको सेटिंग में जाना है। ये सेटिंग में चले गए हैं। उसके बाद देख लीजिए, हमको अबाउट फ़ोन में जाना है। हर कंपनी के मोबाइल में अबाउट फ़ोन रहता है, नहीं तो आप ऊपर सर्च कर लीजिएगा, आपका अबाउट फ़ोन आ जाएगा। देख लीजिए, ये एमआई का है, इसमें एकदम ऊपर ही है अबाउट फ़ोन। ए पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर अबाउट फ़ोन है। इस पे चले जाएंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे। देखिए, बहुत देर में खुलता है, अब जाके खुला है। ये रेडमी का देख लीजिए, नोट्स रेडमी 6 प्रो है। और देख लीजिए, अब ये जो पहले नंबर है इसमें वर्जन वाले में हमको 7-8 बार लगातार क्लिक करना है, तब एक ऑप्शन खुलेगा, तब जाके हम बताएंगे। पहले इसको 7-8 बार हम क्लिक करेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये वाला ऑप्शन चालू हो गया है। अब हमको बैक आ जाना है सेटिंग में। अब हमको नीचे जाना है, देख लीजिए। तो कई बार इस पे जाएंगे, ये सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद हमको जाना है नीचे वाले में, देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन हमको ओके करना है। और ये जो OEM अनलॉकिंग लिखा है, इसको हमको ऑन कर देना है। और अपना पासवर्ड डाले रहेंगे, पासवर्ड मांगेगा, अगर पैटर्न डाले रहेंगे, पैटर्न मांगेगा, जो भी कुछ डाले रहेंगे वो मांगेगा। देखिए, ये हमारा चालू हो गया है ये ऑप्शन। ये हमको चालू करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, अगर रीसेट मार रहे हैं तो। रीसेट मारने से पहले हमको ये सब काम कर लेना है और उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, यही ऑप्शन चालू कर लेना है। उसके बाद हमको दोबारा देख लीजिए, दोबारा हमको को जाना है, रीसेट कर देना है बस। ये हम अबाउट फ़ोन में गए, उसके बाद हमको रीसेट पे जाना है, रीसेट पे चले गए। अब इसको बाद क्लियर ऑल डाटा पे चले गए। उसके बाद हमारा पासवर्ड मांगेगा, ये हम अपना पासवर्ड दे दिए और ये हमारा रीसेट होना चालू हो जाएगा। 10 सेकेंड कह रहा है, 10 सेकेंड बाद ओके करना है हमको। देख लीजिए, ये सब कह रहा है, आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा, आपका फ़ोटो गैलरी, कॉन्टेक्ट नंबर, म्यूजिक, वीडियो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो ओके करिए। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ओके मतलब रीसेट मारना है, हमको कुछ मिले या ना मिले। अगर कुछ लेना चाहते हो पहले किसी मोबाइल में कर लीजिए, तब जाके रीसेट मारना, नहीं तो आपका फ़ोटो, डाटा, मैसेज, कई बार नंबर, वीडियो कुछ भी मिलेगा नहीं, पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा, एकदम पूरा उड़ जाएगा, दोबारा कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, अब रीसेट कर दिए, ये अब हमारा मोबाइल 5 मिनट लेगा या 10 मिनट लेगा। कोई कोई मोबाइल 5 मिनट लेती है तो कोई कोई मोबाइल 10 मिनट लेती है। अपने आप बंद होगी, अपने आप चालू होगी। अगर रीसेट कर रहे हो तो जैसे अब रीसेट मार दिए हैं, अब हमको न चार्ज में लगाना है, न तेज करना है, न धीम करना है, अपने आप ये बंद होगी, अपने आप ये चालू होगी। और जब चालू हो जाएगी तो उसको सेट कैसे किया जाता है इसको बताएंगे। हमारा खुल के रेडी हो गया है, अब इसको कैसे सेट किया जाता है बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमको नेक्स्ट कर देना है। इसमें सिम हमको नहीं लगाना है, पहले हमको सेट कर लेना है तब सिम को लगाना है। देखिए, अब नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने पर उसके बाद आगे बढ़ाएगा हमारा, यहाँ पर 10-15 सेकेंड ले सकता है। देखिए, अब आगे बढ़ेगा, अब हमको स्किप कर देना है। उसके बाद हमको नीचे टिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हमको फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद मोड एक्टिव, ये नेक्स्ट कर से चले जाना है हमको।
देखिए फिंगर कह रहा लगाने के लिए, अबे नहीं लगाएंगे, पहले खुल जाएगा उसके बाद लगाएंगे। देखिए अबे हमको इसी पे नेस्ट कर देंगे, जहां शुरू से देखिए नेस्ट कर देंगे, उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट आ गया, उसके बाद नेस्ट कर देंगे, हमारा एक मिनट दो मिनट चार मिनट में ये खुल के रेडी हो जाएगा और हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब यही इतना हमको करना पड़ता है, रीसेट चुकी है और एकदम ये रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम अपना सिम डालेंगे और सब कुछ अपना सेट कर लेंगे, आईडी सब बना लेंगे और हमारा सब कुछ चलने लगेगा। देखिए ऐसे ही रीसेट मारा जाता है। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मोबाइल के विषय में एकदम छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं और बताते रहते हैं।